थैंक यू विराट कोहली, थैंक यू सो मच। ये जो आपके 76 रनों की पारी है, ये भारत का इतिहास हमेशा याद रखेगा। और विराट की ये पारी हमें वो लाइनें याद दिलाती जिसमें कहा गया था कि वो अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन गुरु जो बड़े होते हैं ना, वो वाकई में बड़े होते हैं। विराट कोहली ने इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए सभी मैचेस में केवल 75 रन बनाए थे। विराट कोहली 5 बार सिंगल डिजिट पर आउट हुए थे, 2 बार डक का शिकार हुए थे, उन पर बहुतेरे सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा था कि विराट बड़े हैं, कोहली अकद बहुत बड़ा है और बड़ा खिलाड़ी अक्सर बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस देता है। और विराट ने बताया कि वो कितने बड़े हैं। 76 रनों की पारी, एक परफेक्ट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा जिसे हम कहते हैं, वो रही। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, विराट कोहली फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनते हैं, बुमराह सबसे बेहतरीन गेंदबाज होते हैं। टीम इंडिया को इस तरह क्या चाहिए था? तभी विराट कोहली ने कहा कि थैंक यू सो मच, मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं, ये मेरा आखिरी मैच है। भारत वो देश है जहां पर खिलाड़ी जल्दी रिटायर नहीं होते, लेकिन विराट कोहली ने इस मैच में जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो सबने सर झुकाकर सजदा किया और कहा थैंक यू किंग कोहली, थैंक यू सो मच। यू स्टार्टेड विथ अंडर 19 वर्ल्ड कप इन ब्लू जर्सी और T20 में आपने अपनी आखिरी पारी भी ब्लू जर्सी में मैन ऑफ द मैच होते हुए फाइनल खिताब जीते हुए जीती। आई मीन विराट कोहली, इससे अच्छी कहानी, इससे अच्छी परफेक्ट एंडिंग नहीं हो सकती थी। विराट ने कहा इट्स टाइम फॉर यंग जनरेशन टू टेक ओवर इन T20 और हमने कहा थैंक यू विराट कोहली, थैंक यू विराट कोहली। विराट कोहली को खुश होते देखना, विराट और रोहित की तस्वीरें देखना, विराट का अनुष्का शर्मा और उनके बच्चों से वीडियो कॉल पर बात करना, विराट का रोहित को हक करना, विराट का बुमराह को हक करना, विराट का रोहित के पास जाना, ये तस्वीरें इंसान कभी भूल नहीं पाएगा। विराट कोहली ने अपने करियर में सब कुछ हासिल किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता 2011 में, चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2013 में, टेस्ट में नंबर 1 टीम को बनवाया और अब T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। विराट कोहली ने जो किया वो इंडिया के लिए इनकम्पेरेबल। विराट की लेगेसी T20 क्रिकेट में महानतम बल्लेबाजों में होगी, क्योंकि विराट सबसे विराट है। फाइनल में, नॉकआउट में विराट की पारियां अलग रही हैं और विराट कोहली ने जिस तरह से इंडिया को जिताया है, जिस तरह से इंडिया के लिए सर्विस दी है, वो तुलना वाली नहीं है। T20 वर्ल्ड कप जिताना, 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतना, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतना, सेमीफाइनल में जीतना, T20 में सबसे रन बनाना, 2014-2016 में हाईएस्ट रन गेटर होना, विराट कोहली ने वो सब हासिल कर लिया जो एक खिलाड़ी ख्वाब देखता है। और सबसे बड़ी बात है, उस बड़े जगह पर जाकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप्स में अगर आप ओवरऑल देखेंगे, सबसे ज्यादा रन, सबसे बेहतर एवरेज है, सबसे ज्यादा 50 है, सबसे ज्यादा चौके उनके नाम है, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनके नाम है, सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उनके नाम है, सबसे ज्यादा रन नॉकआउट्स में उनके नाम है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नॉकआउट में रहे हैं, मोस्ट रन इन चेज रहे हैं, सेमीफाइनल में रहे, सारे अवार्ड विराट के नाम है। और अब विराट ने अलविदा कह दिया T20 वर्ल्ड कप से। आज शायद इंडिया की जीत के गुमान के बीच में विराट के जाने की अहमियत हमें समझ में नहीं आए, या नई टीम के नए लड़कों को देखकर हमें लगे कि शायद विराट ने सही फैसला लिया। लेकिन विराट, थैंक यू यार, थैंक यू यार। आज जब 3 विकेट गिर गए थे, इंडिया की हालत खराब थी, तब विराट ने ही अक्सर के साथ ये मैच संभाला था। हालत खराब थी हमारी यार, हमें लगा था मैच हार जाएंगे, बहुत दूर जा रहे थे हम मैच से। रोहित ने सच कहा था, विराट हैज सेव्ड इट फॉर द फाइनल। द्रविड़ ने कहा था विराट हैज सेव्ड फॉर फाइनल, और विराट ने एक्चुअली में फाइनल के लिए ही बचा कर रखा था। वो खिलाड़ी जो सबसे बड़े मैचेस सबसे विराट हुआ था, 3 विकेट गिरना, फिर किंग का अपनी क्लास दिखाना और बताना कि ये 76 रन कहीं ज्यादा, ये वैसी ही पारी थी जैसे गौतम गंभीर ने खेली थी। दिल्ली का लड़का परफेक्ट एंडिंग करता, 59 बॉल, 6 चौके, 2 छक्के, 76 रन की पारी और सब खामोश। इस टूर्नामेंट में अब तक विराट ने 75 रन बनाए थे और इस आखिरी मैच में उन्होंने 76। स्लो खेल रहे थे, 49 के आसपास लोग सवाल उठाने लगे, फिर चौके छक्के बरसने लगे और सडनली कहानी पलट गई। 5 करोड़ लोग से अधिक देख रहे थे, इंडिया चैंपियन, विराट कोहली चैंपियन, सेमीफाइनल फाइनल सब में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली। विराट चाहते तो साल 2 साल और खेल सकते थे, कोशिश कर सकते थे, लेकिन शायद उन्हें लगा कि इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें, और ठीक है,
टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट में फोकस किया जाए, वहां पर कहानी जाए, लेकिन विराट T20 में भी ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही इज गोट। विराट कोहली का 93 का एवरेज है, 145 का स्ट्राइक रेट है T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट। साल 2014 में 44 बॉल 72 रन, 2014 के फाइनल में 58 पे 77 रन, 16 में सेमीफाइनल में 47 बॉल 89 रन, 22 के सेमीफाइनल में 40 पे 50 रन, 24 के फाइनल में 59 पे 78 रन। दैट्स विराट कोहली फॉर यू। बैन फॉर बिग स्टेज, बिग स्टेज। रोहित शर्मा का कैप्टन के तौर पर जीतना, कोहली का मैन ऑफ द मैच कहना, बुमराह का विनिंग पॉइंट, आई मीन क्या चाहिए आपको यार, ये इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। विराट कोहली थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार, मतलब क्या कहा जाए यार, शब्द नहीं, आज शब्द खत्म हो रहे हैं, शब्द खत्म हो रहे हैं। 2007 के बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, T20 वर्ल्ड कप। इंडिया दो बार T20 वर्ल्ड कप जीत गई, वेस्ट इंडीज के बाद हम दूसरी टीम है जिसने दो बार जीता है। उस वेस्ट इंडीज में जीता जहां इंडिया 2007 में हारी थी ओडीआई वर्ल्ड कप। रोहित, हार्दिक, जयशा, राहुल द्रविड़, सबको जश्न मनाते देखना, आंसू में देखना, और इन सब के बीच में कोहली के विराट विदाई। बहुत हाई नोट पे लिया है, बहुत हाई नोट पे जिगरा चेता, इन आंसुओं के बीच में विराट की ये विदाई जो है लोग याद रखेंगे, रोहित को याद रखेंगे, इस डुए को याद रखेंगे। रोको, साथ में नहीं चला, बट जब जब चला दोनों ने मेक श्योर किया कि मैच फिनिश करना, और अब इंडिया जीत गई। बहुत सारे मैचेस से मिलकर हारे थे, 2022 2021 वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप, 21 में WTC, 23 में WTC, लेकिन आखिर में मिलकर दोनों ने हैप्पी एंडिंग की। थैंक यू विराट कोहली, थैंक यू विराट कोहली। आप देख रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन। विराट कोहली ने जिस तरह से फाइनल में 76 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम का स्कोर को जो सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया, और उसके साथ साथ भारतीय टीम ने जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने जो मैन ऑफ द मैच के साथ साथ अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया, एक क्रिकेट फैन के लिए या क्रिकेट दर्शकों के लिए सबसे इमोशनल टाइम है, क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरह से रिटायरमेंट ली है, अभी ऐसा लग नहीं रहा था कि विराट कोहली इतने जल्दी रिटायरमेंट होंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी फिटनेस है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ना तो उनके बल्लेबाजी में कभी डिप आया था और ना ही उनकी फिटनेस कभी ख़राब थी, लेकिन उन्होंने जो इंडियन टीम को दिया है वो सबसे बेहतर था। आज का जो इनिंग थी उनकी, जिससे भारतीय टीम का स्कोर जो कि एक ख़राब सिचुएशन से निकलकर 180 तक पहुंचाने में विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई, और रिटायरमेंट के साथ साथ उन्होंने मैन ऑफ द मैच लेकर रिटायरमेंट हासिल की, इस ऐसा कभी बहुत से प्लेयर नहीं कर पाते, लेकिन विराट कोहली ने जो इंडियन टीम को दिया है वो बहुत कुछ सिखा के गए हैं, और उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के टाइम में वो चाहते हैं कि न्यू जनरेशन आकर क्रिकेट में ये आगे आने वाले वर्ल्ड कप या रन जो होने वाले वर्ल्ड कप उसे संभाले। विराट कोहली की सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो उन्होंने क्रिकेट को दिया है इंडियन टीम को, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड में क्रिकेट खेल जाती है, उन्हें विराट कोहली को सभी को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और विराट कोहली लग नहीं रहा था कि इतने जल्दी रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन उन्होंने अलविदा कहा है इंटरनेशनल क्रिकेट को, साथ ही साथ जो इतने फैंस थे उन्हें भी नाराज़ और इमोशनल कर दिया, क्योंकि अभी इनके पास काफ़ी फिटनेस थी और काफ़ी दिनों तक और भी खेल सकते थे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली जैसा लीजेंड प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट यानी T20 से जो रिटायरमेंट ले रहा है, क्या वो सही है, क्योंकि अभी उनके पास काफ़ी क्रिकेट बची हुई थी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, क्या विराट कोहली को रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी या नहीं, आपकी कमेंट में बताएं कि जरूर जाए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।